नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। कटनी कलेक्टरेट पहुंच कटनी जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का एक दल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के नाम ज्ञापन सौंपने आए रहे, जिनमें जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित शुक्ला ने बताया कि अधिवक्ताओं को अपने पक्षकारों के लिए संबंधित प्रकरणों में केस की नकल प्राप्त करने में हो रही लेट लतीफी व अव्यवस्था से बहुत विलंब होता है। लोक सेवा केंद्र में आवेदन देने के बजाय प्रत्यक्ष अभिलेखागार में आवेदन जमा करने का प्रावधान किया जाए ताकि समय पर नकल प्राप्त हो सके। लोक सेवा केंद्र में समय पर नकल मांगने पर न मिलना और एजेंट आवेदन करने पर फीस भी जमा करने को तैयार रहते हैं सभी अधिवक्ता, परंतु उसके बावजूद समय पर नकल नहीं मिल पाता है व समस्या का निराकरण नहीं हो रहा। अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों के साथ कलेक्टर परिसर में अधिवक्ताओं को बैठने की उचित व्यवस्था और टोल नाकों पर अधिवक्ताओं को टोल फ्री किया जाए, जिससे आरटीओ कार्यालय टोल नाका पार करके जाना पड़ता है, जिससे एक बेवजह का आर्थिक बोझ हम सभी अधिवक्ताओं को उठाना पड़ता है। जिला बार ने अपनी मांग पत्र को डिप्टी कलेक्टर नदीम शिरीन को सौंपा और आग्रह किया इनके मांगों को शीघ्र निराकरण किया जावे। डिप्टी कलेक्टर नदीमा शिरीन ने बताया कि नियमों का अवलोकन कर इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी कटनी। एक मिनट, अभी लेट में जो है लोक सेवा में 8 दिन 15 दिन में मिलती है नकल, जबकि कोर्ट में कई बार हमारे केसेस लगते हैं दूसरे या तीसरे दिन डॉक्यूमेंट मंगाए जाते हैं। तो कई जिलों में हमने पता किया है, तब इसको हमने ये आवेदन लगाया, जैसे दूसरे जिलों के अधिवक्ताओं ने बताया। विभिन्न मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपे गए हैं, इसमें कलेक्टर परिसर में अधिवक्ताओं को बैठने की व्यवस्था के संबंध में है, एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के संबंध में, और साथ ही कुछ अभिलेखागार से जुड़ी इनकी समस्याएं हैं। इनके ज्ञापन ले लिए गए हैं, जो मुख्यमंत्री जी से संबंधित हैं वो उन्हें भेज दिए जाएंगे, और जो जिले से संबंधित कार्रवाई की है तो निश्चित रूप से इसमें जिला स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। ये वकीलों का कहना फिर अभिलेखागार से संबंधित कुछ विषय मुद्दों की बात की, इसके लिए क्या लगता है? इसमें तो लीगली ही देखना पड़ेगा, क्योंकि लोक सेवा प्रबंधक एक एक्ट ही है, उसमें समय सीमा निर्धारित है। अगर ये कुछ एक्स्ट्रा मांग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कुछ जिलों में ऐसी सुविधा है तो हम बात कर लेते हैं, अगर कुछ नियम में आता है तो हम जरूर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आज जो जिला अधिवक्ता संघ कटनी के सभी यहाँ सदस्यगण उपस्थित हैं, जो अभिलेखागार में नकल वगैरह जो मिलती है यहाँ से, उनमें अधिवक्ता जो द्वारा जो लोक सेवा में आवेदन लगाया जाता है उसमें कम से कम 8 दिन लग जाता है, और हम लोगों को कभी कभी अर्जेंट हियरिंग में आवेदन लगाते हैं वो इसमें नहीं लिया जाता, जबकि हम लोगों को अर्जेंट में कई बार न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अर्जेंट में दस्तावेज निकलवाने हेतु, जो कि हम लोग फीस जमा करने को तत्पर रहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है कलेक्ट्रेट परिसर में। इसलिए हम लोगों द्वारा यह ज्ञापन दिया जा रहा है कि जो अधिवक्ताओं द्वारा आवेदन लगाया जाए लोक सेवा में, वह लोक सेवा में न लगाकर यहाँ डायरेक्ट अभिलेखागार में लगाए जाएं और तुरंत उनकी नकल उनको प्रदान किया जाए, इस बात का ज्ञापन। और दूसरा ज्ञापन ये था कि अधिवक्ताओं को कलेक्ट्रेट परिसर में बैठने की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था की जाए। और तीसरी बात हमारी ये थी कि जो हमारे अधिवक्ता कटनी से बड़वारा जाते हैं या आरटीओ ऑफिस जाते हैं, उनके वाहन जो फोर व्हीलर थे उनसे उनको टैक्स लिया जाता है, जो कि गलत है। टोल नाका में अधिवक्ताओं से फीस नहीं लेना चाहिए, राशि नहीं लेना चाहिए, जिससे कि हम लोग असुविधा ना हो हम सभी अधिवक्ताओं को। इस बात का ज्ञापन हम आज कलेक्टर परिसर में कलेक्टर साहब को देने आए हैं। क्या नाम है आपका? अमित शुक्ला, अधिवक्ता, जिला अधिवक्ता संघ कटनी।